सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने आए केंद्रीय अध्ययन दल ने बुधवार को जैसलमेर जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और सूखा प्रभावित इलाकों की समसामयिक स्थितियों के बारे में जानकारी ली है। दल ने बुधवार मध्याह्न जालोड़ा पोकरणा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीणों, किसानों तथा पशुपालकों से सीधा संवाद किया है। केंद्र सरकार के कृषि कल्याण मंत्रालय के निदेशक डॉक्टर सुभाष चंद्र एवं जल ऊर्जा मंत्रालय जल ऊर्जा विभाग के निदेशक एसटी शर्मा ने ग्रामीणों से फीडबैक लेते हुए कहा कि उनकी भावनाओं को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। तो दो दल के अधिकारियों ने तसल्ली से ग्रामीणों को सुना और ग्राम जनजीवन के बारे में विस्तार से पूछताछ की है। ग्रामीणों ने महानरेगा में न्यूनतम दिनों की संख्या 200 करने तथा मजदूरी 400 करने, पानी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए व्यापक प्रयास करने, बरसात की कमी की वजह से फसलों की खराबी, घास की कमी और पशुपालन पर संकट आदि के साथ ही विभिन्न समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया। इस पर केंद्रीय अध्ययन दल के अधिकारियों ने समुचित प्रयास करने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने स्थानीय समस्याओं पर जिला कलेक्टर को प्रार्थना पत्र दिए। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने उपखंड अधिकारी राजेश विश्नोई को निर्देश दिए इन समस्याओं का समाधान तथा शिकायतों का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। तो क्राइटेरिया है, एससी एसटी में कोई प्रायोरिटी थोड़ी है। एससी एसटी में जितने सबको दे दो आप, एससी एसटी को पहले ले लिया, फिर बीपीएल को ले लिया, तो सारे एससी एसटी के घर में बनवा दिया गया। इस प्रकार सारे एससी एसटी के घर में बन गया क्या? नहीं, जिनके बड़ा उनको लिया नहीं, जिनके नहीं बड़ा उनके सब एक साथ फाइल बढ़ाएंगे सर। इस बार तो इसको जल्दी करवाएंगे सर, इसको करवा करके नरेगा में आपको हम टांका सेंक्शन कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। प्रायोरिटी में होंगे वो जब सैचुरेट हो जाएगा उसके बाद फिर जनरल का है, बाद में उनका भी आ जाएगा। पहले इनके बढ़ेंगे फिर बाद में उनके भी बढ़ेंगे। सर मैंने पूरा एक्शन प्लान बना लिया है। ये हमारी समस्या आप केंद्र सरकार से आए हुआ, आज केंद्र सरकार को लोगों को सुनाई देगी जैसलमेर जिले में ये हालात, तो वहाँ पे